महानायक अमिताभ बॉलीवुड की महान हस्तियों में से एक हैं। उनका अभिनय इतना दमदार है कि आज भी बॉलीवुड में उनका सिक्का चलता है। उनकी ज़िंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जिसे जान सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल फिल्म कूली के सेट पर 37 साल पहले यानी 2 अगस्त को अमिताभ बच्चन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिस हादसे को आज तक भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसके बाद अमिताभ बच्चन को गंभीर हालत में मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। पूरा देश उस समय उनके जीवन के लिए दुआ मांग रहा था और अमिताभ को आज ही के दिन 37 साल पहले एक नया जीवन दान मिला था। कूली की शूटिंग के दौरान उनके साथ बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ था जिसके कारण वो कोमा तक में जाने से बचे थे। इसी दिन को याद करते हुए अभिषेक ने एक पोस्ट शेयर किया और लिखा, यह तस्वीर 37 साल पहले ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल की है। मेरे पिता फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान हुए एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटल में थे और ठीक हो रहे थे। आज 2 अगस्त को हम उनका दूसरा जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्हें किसी चमत्कार के द्वारा डॉक्टर्स ने आज ही के दिन बचा लिया था। हैप्पी बर्थडे पा, लव यू। ये इमोशनल पोस्ट अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस दिन को याद करते हुए अमिताभ के फैंस ने सोशल मीडिया पर कमेंट्स की लड़ी लगा दी और अमिताभ बच्चन ने भी फैंस को बड़े ही प्यार से धन्यवाद और शुक्रिया कहा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से ज्योति की रिपोर्ट।